सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। मैं अमित आज बात करने जा रहा हूँ क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड वेल इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, इन दोनों कंपनी के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग कंपनी है। इन दोनों ने 29 अप्रैल 2020 को डिफॉल्ट किया था एंड डिफॉल्टर एंड एक्सपेल्ड की लिस्ट में इन दोनों का नाम आ चुका है। तो हम यहाँ से चलते हैं NSE की वेबसाइट पर। तो मैं आपको NSE की वेबसाइट, न्यू एंड ओल्ड वेबसाइट दोनों पर ले जाकर दिखाऊंगा कि क्या इसका सर्कुलर है एंड फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, एंड BSE के सर्कुलर पर भी मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। एंड यहाँ से हम चलते हैं इसके सर्कुलर पर। हमें यहाँ से जाना है रिसोर्सेज पर, हमें माउस को ले जाना है एंड यहाँ से हम जाएंगे सर्कुलर पर। सर्कुलर जैसे आप देख सकते हैं, तो मैंने सर्कुलर को न्यूज पेज पर मैंने ओपन किया है। तो यहाँ से हम चलते हैं न्यूज पेज पर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं सर्कुलर पर आ चुका हूँ। इसका सर्कुलर नंबर है 44265, डेटेड 29 अप्रैल 2020। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं एंड आप नीचे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। पहले मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये मई चल रहा है, ये आपका 29 अप्रैल 2020 में आएगा सर्कुलर नंबर 44265। एंड 44265 नंबर ये रहा, ये नंबर है दिस दिस। एंड रीड मोड में भी आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन एट डिफॉल्टर एंड एक्सपल्सन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर। एंड मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड करूँगा मैं, और मैं आपको इसका सर्कुलर दिखाऊँगा। एंड यहाँ ये सर्कुलर ओपन हो चुका है। एंड फर्स्ट वाले में कुछ खास नहीं है, फर्स्ट वाले में बस ये दिया गया है आई थिंक कि जो क्वांटम ग्लोबल की जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी थी या जो ऑथराइज पर्सन थे, यहाँ उनकी डिटेल दी गई है। ये AP कोड हो गया, ये सेगमेंट हो गया किस सेगमेंट में ट्रेड होता था। एंड यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करूँगा, मैं चलूँगा सेकेंड वाले सर्कुलर पेज पर। यहाँ मैं इसे जूम करूँगा, आप देख सकते हैं कि सर्कुलर नंबर ये आ चुका है 44265 एंड ये डेटेड आ गई एंड ये उसका रेफरेंस नंबर आ गया। एंड सब्जेक्ट में डिक्लेरेशन एज डिफॉल्टर एंड एक्सपल्सन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर, ऑल मेंबर आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग ट्रेडिंग मेंबर हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द एक्सचेंज अंडर रूल 1 एंड 2 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द NSEIL रूल्स एंड आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड ए डिफॉल्टर अंडर प्रोविजन 1A ऑफ चैप्टर 12 ऑफ एक्सचेंज बाई लॉ विद इफेक्टेड फ्रॉम अप्रैल 29, 2020। एंड यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड, ये इसका SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। एंड यहाँ वेल इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड का SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। एंड आप नीचे यहाँ आप पढ़ सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि कंपनी आपकी जो ब्रोकिंग कंपनी है उसका नाम डिफॉल्टर की लिस्ट में क्यों आता है, जब ब्रोकर BSE एंड NSE की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाता है तब उसका नाम डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाता है। जैसे आपने बैंकिंग सिस्टम में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब लोन को पे नहीं कर पाता है तब वह डिफॉल्ट कर जाता है, या वो डिफॉल्ट की लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। एंड यहाँ से आप ये NSE के टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। जैसा मैंने बात करी थी, तो मैं आपको बता दूं, तो NSE के कस्टमर सपोर्ट ने मुझसे ये बात कही थी कि आप एक फॉर्म डाउनलोड करके, उस फॉर्म पर भी मैं आपको लेके चलूँगा, डाउनलोड करके आप हमारे एड्रेस पर सेंड कर दीजिए। एंड जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है वो सब उस फॉर्मेट में दी गई है, आप सब भेज दीजिए। इसमें आपका 3 to 12 मंथ के आसपास लगता है। एंड
अगर आपके शेयर डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे, आपको ओनली अमाउंट मिलेगी। तो ये बात मैंने एनएससी से भी करी कि लाइक मैंने 1 or 2 ईयर्स पहले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्ट किया था एंड कोरोना वायरस के क्राइसिस के चलते उसकी वैल्यू 25,000 to 30,000 रह गई है, तो मुझे तो ऐसे ह्यूज लॉस होगा। तो कस्टमर केयर ने कहा कि ये एनएससी का टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको स्टॉक नहीं मिलेंगे। एंड फिर कुछ देर बाद मैंने सीडीएसएल से भी हेल्प ली, मैंने सीडीएसएल के हेल्प डेस्क नंबर ऑडिट नंबर पर मैंने कॉल किया, मैंने उन्हें ये सेम कंडीशन बताई, तो सीडीएसएल ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मैंने बताया कि मैंने बीएससी के भी सर्कुलर पर देखा है एंड एनएससी के सर्कुलर पर देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी कि या तो आप एक बार अपने ब्रोकर से बात करके देख लीजिए या उन्हें मेल कर लीजिए, या अगर ये भी ना हो तो जैसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे एंड आपके स्टॉक कुछ टाइम बाद, अगर आपका अकाउंट CDSL में ही है आपके दूसरे ब्रोकर के पास, तो आपके स्टॉक इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट फिल करनी होगी। एंड आप इस फॉर्मेट को पढ़ लेना एंड यहाँ से इसे मैं क्लोज करता हूँ। एंड ये मैंने आपको सर्कुलर दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से रेगुलेशन पे, यहाँ रेगुलेशन पे चलता हूँ मैं पब्लिक नोटिस पर। एंड पब्लिक नोटिस को मैं न्यू पेज पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ पब्लिक नोटिस की, तो इनिशियल पब्लिक नोटिस में ये लास्ट ईयर का है एंड फाइनल पब्लिक नोटिस की बात करूँ तो अभी क्वांटम ग्लोबल एंड वेल इंडिया का कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि पब्लिक नोटिस कैसा होता है, ये PDF फाइल में देखते हैं। ये रहा, ये आपका पब्लिक नोटिस होता है इस टाइप का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ इन्वेस्ट पर, यहाँ मैं इन्वेस्ट पर अपने माउस का कर्सर ले आऊँगा तो मैं यहाँ से चलूँगा डिफॉल्टर एक्सपेल्ड मेंबर पर एंड यहाँ से इसे मैंने ओपन किया। यहाँ से मैंने ओपन किया ऐसे तो यहाँ पे डिफॉल्टर एक्सपेल्ड मेंबर का नेम आ जाएगा एंड हम पब्लिक नोटिस पर भी बात कर चुके हैं कि अभी क्वांटम ग्लोबल का कोई पब्लिक नोटिस नहीं आया है एंड जो आपके फंड का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आप पब्लिक नोटिस आने के बाद ही होता है। एंड यहाँ से मैं चलता हूँ आपके पब्लिक नोटिस पर, सॉरी पब्लिक नोटिस पर नहीं, ये हम चलते हैं, यहाँ चलना हमें डिटेल टू बी प्रोवाइडेड फॉर लॉजिंग क्लेम, क्योंकि आपको NSE के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मेट फिल करना है एंड आपको फर्स्ट वाला जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड फॉर्म फॉर क्लेम अगेंस्ट एक्सपेल्ड डिफॉल्टर मेंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे फॉर्मेट डाउनलोड हो चुका है एंड यहाँ मैं आपको फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ एंड वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास प्रोवाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अगर यूज़फुल लगे तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। एंड मैं आपको फॉर्मेट फिल करना थोड़ा बहुत बता देता हूँ, यहाँ पे आपके ब्रोकर का नेम आएगा, जैसे दो कंपनियों ने डिफ़ॉल्ट किया है तो वेल इंडिया का भी नाम आ सकता है एंड क्वांटम का जहाँ आपका अकाउंट हो। ठीक है, यहाँ आपका नेम आ जाएगा, एड्रेस, पिन कोड एंड यहाँ आपका क्लाइंट कोड आ जाएगा जो आपके ब्रोकर ने दिया होगा, यहाँ आपके डिपॉजिटरी, यहाँ डीमैट अकाउंट का नंबर आ जाएगा, यहाँ आपको बैंक डिटेल फिल करनी है।
ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है कि आपने कितने की होल्डिंग परचेज करी है, ठीक है, एंड ये आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे एनएससी में, जैसे लाइक पैन कार्ड, केवाईसी डिटेल, लेजर अकाउंट, ठीक है, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड सेवन में आएगा डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट टेकन अप विद द एक्सचेंज। अगर आपने कोई कंप्लेंट डाली है अपने ब्रोकर के अगेंस्ट में और आप यहाँ आप के ब्रोकर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे भी आप दे सकते हैं अपनी डिटेल, ठीक है। ऐसी आपके सेबी स्कोर की भी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द केस एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे वो डिटेल आएगी जो ऊपर के कॉलम में नहीं दिए। लाइक मान लीजिए आपके ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। लाइक 1000 पड़े हो या 2000 रुपीज़ पड़े हो, तो आप यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्मेट को केयरफुली पढ़ना, यहाँ प्लेस डेट सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा एंड और ये काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसे पढ़ लेना। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ से चलता हूँ एनएससी की ओल्ड वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे मैं एनएससी की ओल्ड वेबसाइट पर आ गया हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर आ रहा है। ये भी सर्कुलर सेम वही सर्कुलर है जो मैंने एनएससी की न्यू वेबसाइट पर दिखाया था, ठीक है। यहाँ हम बात नहीं करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पर। यहाँ हम आएंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर, हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा ये जो मैंने डिफ़ॉल्टर एक्सपर्ट खोल रखा है, ठीक है, मैं ये चारों ऑप्शन खोल देता हूँ। डिफ़ॉल्टर एक्सपर्ट मेंबर डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर लॉजिंग क्लेम, डिफ़ॉल्टर सेक्शन एंड पब्लिक नोटिस। एंड फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्टर एक्सपर्ट मेंबर की बात करें, तो यहाँ पे क्वांटम का नाम क्यों नहीं आया है, यहाँ पे क्वांटम का नेम इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी इन्होंने पब्लिकली नोटिस या अनाउंसमेंट नहीं किया है। एंड में चलता हूँ ये सेकंड वाले पेज पे, जैसा वहाँ हम चले थे डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर लॉजिंग क्लेम, तो आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करके वही फॉर्मेट आ जाएगा, आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम चलते हैं डिफ़ॉल्टर सेक्शन में, यहाँ पर डिफ़ॉल्टर सेक्शन में एक कमिटी का नेम दिया गया है। जैसे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो उस कमिटी में कौन कौन लोग हैं, लाइक मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कमिटी मेंबर, मिस्टर के नारायण सीमा मूर्ति, ठीक है, यहाँ पर नेम दिया गया है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्टी के नेम दिए गए हैं। एंड यहाँ मैं चलता हूँ पब्लिक नोटिस पर, जैसे पब्लिक नोटिस कोई भी क्वांटम ने नहीं दिया है, तो अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पे लास्ट जो पब्लिक नोटिस दिया गया है वो KSBL सिक्योरिटीज लिमिटेड का दिया गया है एंड BMA वेल्थ काफ़ी लोगों का दिया गया है। क्वांटम का नेम यहाँ पे तब आएगा जब क्वांटम इसको पब्लिकली अनाउंसमेंट कर देगा, ठीक है। एंड हम यहाँ से चलते हैं BSE की वेबसाइट पर, जैसे मैं BSE की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, एंड यहाँ से हम BSE की वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ हमें क्लिक करना है मेंबर पर, क्योंकि आप लोगों को मुझे BSE की वेबसाइट पर भी ये डेटा दिखाना है जो मैंने NSE की दोनों वेबसाइट पर दिखाया था, ओल्ड एंड न्यू। एंड यहाँ मैं मेंबर डायरेक्ट्री पर क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है डिफॉल्टर एंड एक्सपेल्ड मेंबर। एंड ये आपके सामने आ चुका है, एंड आप रिसेंटली देख सकते हैं मई मंथ में जैसे ग्रो वैल्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का भी नेम आ गया है, विनी सिक्योरिटीज एंड क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये यहाँ पर BSE के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी वो 1 मई 2020 को पहुँची है। यहाँ पे आ गया है इनका डिफॉल्टर एंड एक्सपेल्ड, एंड यहाँ अभी तक पब्लिक नोटिस
नहीं दिया है तो मैं आपको किसी कंपनी का एक पब्लिक नोटिस का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जो कि पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, इन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर में दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड आपको कुछ इश्यूज़ हो तो आप कमेंट करके भी कुछ पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप CDSL के हेल्प डेस्क में जाके, एक ऑडिट नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके बात कर सकते हैं कि अगर आपके क्वांटम में अकाउंट है और आपके शेयर्स कुछ पड़े हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड जो भी आपके फ्रेंड या अगर इन कंपनीज में जिनके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हैं उनके पास भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।